राष्ट्रपति चुनाव का अंतिम मत परिणाम घोषित हो चुका है और मत परिणाम में शुरुआत से अग्रता बनाए हुए जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और ये बहुत साल बाद अमेरिका के राजनीति में ऐसा देखा गया है कि एक राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्य के लिए फिर से चुनकर नहीं आए हों, और ऐसा घटना डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही सालों बाद हुआ है। इसी के साथ जो बाइडेन की ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पहले के चुनाव में जीत हुई थी, उसके बाद किसी को इस तरीके की अंदाज़ा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाना इतना आसान होगा। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एग्रेसिव कैंपेन रखा, साथ ही साथ जो मुद्दे दर्शकों से या फिर जो जनता से जुड़े हुए थे उन सबको उठाया, उसी का फायदा उनको मिला और जो बाइडेन इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराने में सफल हुए। और आप सभी को बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अब जो बाइडेन का निर्वाचन में विजय हो चुका है और वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में कमला हैरिस विजय हुई है, जो कि मूलतः भारत की है और उनकी जो परिवार से जुड़े कुछ संबंध है वो भारत की है, और इस वजह से भी उनको भारतीय वोट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस बन चुकी है अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जब से मतों का गिनती शुरू हुआ तब से लगातार ये दोनों अपना अग्रता बनाए हुए थे। वही बीच में दोनों उम्मीदवारों की तरफ से ट्विटर वार भी हमें देखने को मिला, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया, जिसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया था। लेकिन वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सफलता हाथ नहीं लगी और उनकी दोनों याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद जो मतों की गिनती थी उसको जारी रखा गया। और अब आकर के पूरे 50 राज्य जो कि अमेरिका में है उस सब की वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग की गिनती भी हो चुकी है, और जो बाइडेन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है और वो बहुत जल्द अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी के रूप में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के शपथ लेंगे। आप सभी को बता दूं कि ये चुनाव बहुत ही कांटे की टक्कर की थी, जिसमें जो बाइडेन की बहुत ही शानदार जीत है और दोनों का जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही बड़ा है। इसी से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्य थे उससे जो अमेरिकी जनता है वो नाखुश थे, उनके कार्य के प्रति जनता संतुष्ट नहीं थी, और वही वो मुख्य कारण बना कि आज जो बाइडेन की विजय हुई है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के दौरान जिस प्रकार से एक्शन लिया और जिस तरीके से बयान दिए, डॉक्टर के खिलाफ बयान दिए, और खास करके जो उनका एक पॉलिसी रहा था कि मास्क नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, जिसके कारण से अमेरिका को इतना बड़ा तबाही का सामना करना पड़ा, यही सब वो कारण रहा जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में कमी आई। और इसी का फायदा उठाते हुए जो बाइडेन ने अमेरिका के जनता के बीच अपना जो है नाम बनाने में सफल हुए, और उन्हीं का आज नतीजा है कि जो बाइडेन बन गए हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। तो हमारी ओर से जो बाइडेन को और कमला हैरिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन दोनों का कार्यकाल सफल हो इसकी हम कामना करते हैं, और उनका जो रिश्ता है वो पूरे देश के साथ अच्छा रहे, अमेरिका का रिश्ता पूरे विश्व के साथ अच्छी तरीके से आगे जाए और मजबूती पर जाए, वो विश्व में शांति के लिए एक पहल करे, यही सभी देशों की भी अपेक्षा रहेगी। तो जो बाइडेन को और कमला हैरिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहे हमारे साथ।